सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। इन दिनों सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी भी फिल्मों में कट लगाने को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म भूमि में 12 कट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म में आइटम सॉन्ग ट्रिपी को भी हटाने के लिए कहा गया है। बोर्ड का कहना है कि इसका कुछ ही हिस्सा दिखाने लायक है और सिर्फ इसे ही फिल्म में रखा गया है। इसके अलावा फिल्म में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द जैसे साली, आसाराम, गंदा पानी वगैरह को भी फिल्म से हटाने के लिए कहा गया है। फिल्म में कोर्ट रूम का एक किस सीन है और इस पर भी सेंसर ने आपत्ति जताई है। इस तरह सेंसर की तरफ से फिल्म पर कुल 12 कट लगाने को कहा गया है। इस मामले में फिल्म के निर्देशक उमंग कुमार का कहना है कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि फिल्म में इस तरह के कट लगाने की बात हो सकती है, यह एक संवेदनशील विषय है, उन्होंने इसका ध्यान रखा था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले संजय दत्त ने भी इस फिल्म में सनी लियोनी पर फिल्माए गए गाने ट्रिपी को वल्गर बताया था। उन्होंने कहा था कि गाना फिल्म के स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं है। अभिषेक, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।